गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स का लेंस पढ़ेंगे। स्फेरिकल लेंस में कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है। ओके, इमेज फॉर्मेशन by spherical lens. Spherical lenses में कैसे image formation होगी, आज हम इसको पढ़ेंगे। Lenses form image by refracting the incident light. जो भी lenses होते हैं उसमें क्या होता है, जो भी refraction होता है वो किसकी वजह से होता है, incident लाइट बीम की वजह से होता है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस ऑफ डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट्स, अपनी फिजिक्स की बुक ऑन कर लो, उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंसेज कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है, वो लेंसेज में कैसे होती है। ठीक है मैम, गुड आफ्टरनून मैम। मैम बुक नहीं है मैम अभी। अच्छा कोई बात नहीं, तो ले लेना। ठीक है, अभी समझो। ठीक है, और आप लोग की जो मैथ की क्लास है वो आपसे 12:45 पे होगी और 12 पे साइंस की क्लास होगी। ठीक है, यस मैम। ओके मैम, मैम कौन सा चैप्टर है अभी? फिजिक्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। ठीक है, यस मैम। ठीक, और फर्स्ट चैप्टर है आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रेक्शन। तो हम लोगों ने जो पुरानी क्लासेस थी उसमें हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिया था, डिफ्रेक्शन के बारे में पढ़ लिया था, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ लिया था, और अब हम लोग स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्फेरिकल लेंस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंसेज में कैसे इमेज फॉर्म होती है। ठीक, लेंसेज फॉर्म इमेज बाय रिफ्रैक्शन द इंसिडेंट लाइट बीम। जो भी लेंसेज में इमेज फॉर्म होती है वो किसकी वजह से होती है, इंसिडेंट लाइट बीम की वजह से होती है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द इमेज फॉर्म बाय द लेंस for different position of the image placed in front of it and carefully analysis whether the image is real or virtual. So, अब हम पढ़ेंगे जो हमारा lenses है उसमें हम object को जिस position पर रखते हैं उस position पर रख के कैसी हमारी image form होती है, real image form होती है या virtual image form होती है, हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसको फाइंड करेंगे। Whether the image is formed on the same side of the lens or the on the opposite side. Means, जैसे कि ये आपका लेंस है, ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। सपोज करिए अगर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा हुआ है तो ये जो सेम साइड हो गई, अगर इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो ये क्या हो गई, ये सेम साइड होगी जहां पे क्या रखा है, आपका ऑब्जेक्ट रखा है। अगर इमेज आपकी इधर बनती है तो इसको हम बोलते हैं अपोजिट साइड। मीन्स इमेज से जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे दूर। ठीक है, तो ये था आपका सेम साइड और अपोजिट साइड का। यस मैम, तो चलो अब हम पढ़ते हैं इसको। अब हमारे कैसे इमेज फॉर्म होते हैं उसको पढ़ेंगे। तो पहला है आपका अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखो, ये है आपका लेंस। ठीक है, yes, ये है इसका सेंटर और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये आपको लोगों को पता होना चाहिए, जो
लेंस होता है, इसमें जो फोकस होता है वो दो होते हैं, एक F1 होता है और एक F2 होता है। तो इसमें हमने पढ़ा जो हमारी इंसिडेंट रे है वो क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है पैरेलल के प्रिंसिपल एक्सिस के। ये है प्रिंसिपल एक्सिस और ये है इंसिडेंट रे। ठीक, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस पॉइंट ऑफ द अदर साइड लेंस। तो क्या हो रहा है, जब यहां पे गया रिफ्लेक्शन हुआ, यहां से जब रिफ्लेक्शन हुआ तो वो कहां से गया, F2 से गया, इसका रास्ता ये बना। ठीक है, ये था आपका पहला। तो इस केस में क्या हुआ, इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। तो इसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा क्या करता है, रेज को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज करता है। यस सॉरी, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये फोकस पॉइंट पे मीन सबको एक साथ लाता है। ठीक है, पर जो अगर ये आपका कॉनकेव लेंस होगा, अगर कॉनकेव लेंस होगा, इसमें भी दो होता है, इसमें भी F1 होता है और इसमें भी F2 होता है, पर इसमें जो क्या होता है, जो रे होती है वो डाइवर्ज हो जाती है, मतलब कि दूर चली जाती है ना। हाँ, बस यही फर्क है कॉन्वेक्स लेंस में और कॉनकेव लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, सारी रेस को मिलाता है, मिला देता है, पर जो कॉनकेव होते है क्या करता है, उसको डाइवर्ट कर देता है, जितनी भी रेस होंगी सबको दूर कर देगा, पैरेलल पे दूर कर देगा। मैम हम लोग का ये जो मिरर होता है मैम, ये आपका प्लेन मिरर होता है। यस मैम। ठीक है। यस मैम। और जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उसमें क्या होता है, हल्का सा बेंड होता है। ठीक, तभी वो क्या करता है, इमेजेस को एक साथ मिलाता है या रियल इमेज या वर्चुअल इमेज को फॉर्म करता है। ठीक, फिर आपका अगला आता है द अरे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस विल इमर्ज आफ्टर रिफ्रेक्शन। क्या होगा, अगर जो हमारी इमेज है ये है आपका कन्वेक्स लेंस, ठीक है, F1 F2, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो कन्वेक्स लेंस जो भी लेंसेज होते हैं, लेंसेज में हमेशा दो फोकल पॉइंट होते हैं, और दो फोकल पॉइंट क्यों होते हैं, मैं आप जो पुरानी वाली वीडियो है उसमें चेक कर लेना, मैंने उसमें आपको बताया हुआ है। ठीक है, यस मैम। ये क्या होता है, इसमें जब रे हमारी फोकस से पास करती है, क्या कर देती है, ये इमर्ज कर देती है इस तरीके से। ठीक है, अपर जो आपका कॉन्वेक्स होगा, कॉनकेव होगा, वो क्या कर देगा, सेम F1 F2, और ये क्या करेगा, जब यहां से आएगी यहां से कर देगा, पैरेलल कर देगा। A light ray appearing to meet the principal focus of a concave lens after refraction emerges parallel to it. Its principal means हमको ये लगेगा कि ये जो लाइन है क्या हो रही है, यहाँ पे जाके हमको लगेगा कि मिल रही है, जबकि क्या हो रहा होगा, एक्चुअली वह मिल नहीं रही होगी, लाइन क्या हो रही होगी, जो वे हो रही होगी वो दूर जा रही होगी। ठीक है, डाइवर्ट हो रही है इसमें। हाँ, इसी तरह आपका नेक्स्ट आता है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस, मीन जब हमारी जो लाइट है, जो रे है, वो कहाँ से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। ऑप्टिकल सेंटर आपका होता है ये,
ये आपका लेंस है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्स है, और ये जो होता है, ये होता है आपका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, जब जो रे है अगर वो यहां से पास कर रही होगी तो वो क्या होगी, जिस पाथ पे जा रही है उसी पाथ से वापस आ जाएगी। यस मैम। ठीक है, और सेम इसी तरह क्या होगा, सेम इसी तरह कॉनकेव में भी होगा। ठीक, यस मैम। बिना किसी डायवर्जन के स्टेट स्टेट हाथ में क्या होगी, ट्रैवल करेगी। तो ये था आपका जो स्पेकल लेंसेज है उसमें किस तरीके से फॉर्मेशन होती है। तो अब हम इसको आगे पढ़ेंगे, मतलब कि ये कुछ स्टेप्स थे कि इमेज जो फॉर्मेशन है वो कहाँ कहाँ पे हो सकती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसको हमने क्या किया है, किसी फिक्स पोजीशन पे रखा हुआ है, तब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कैसे फॉर्म होगा। ठीक है, तो पहला है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिट, मीन्स जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है, इंफिनिटी पे रखा, मीन्स हमें उसकी पोजीशन नहीं पता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये है आपका कन्वेक्स लेंस, सेंटर ऑफ सॉरी ऑप्टिकल सेंटर F1 F2। ठीक है, तो F1 F2 होता है, ये क्या होता है, ये सेंटर ऑफ क्यूबेचर का और ऑप्टिकल के जो बीच का होता है उसको हम F1 और F2 बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अब आपकी जो ऑब्जेक्ट है, जो रे है वो आ रही है इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका इंफिनिटी पे, जो आपको पता नहीं है एग्जैक्टली कहाँ पे है, तो रे यहाँ पे आपकी क्या हो रही है, इमर्ज हो जा रही है, यहाँ पे जितनी भी रेज आ रही है सारी क्या हो रही है, वहां पे आके इमर्ज हो जा रही है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, इमेज फॉर्म हो रही है, वो इस पॉइंट पे क्या हो रही है, इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, yes, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, जब हमारा ऑब्जेक्ट किस पे है, इनफाइनाइट पे, हेलो मैम, मैम वॉइस नहीं आ रही मैम से, मैम नहीं आ रही मैम सिर्फ आपका, रुको मैम अब आ रही है, नहीं अब आ रही है, अब आ रही है, यस मैम आ गई, यस मैम। ठीक, क्या हो रहा है, जो एक फाइनाइट पोजीशन पे है वो हमारी रेस आ रही है, मींस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चल रही है, इंसिडेंट रे हमेशा क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चलती है। ठीक है, इफ द इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस टू द गिवन कन्वेक्स लेंस, देन आफ्टर रिफ्रेक्शन ऑल द रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस F2 ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। क्या होगा, अगर सारी रेस पैरेलल है और रिफ्रेक्ट होके कहाँ पे आ रही है, F2 पे आ रही है, तो जो हमारी इमेज है वो कैसी बनेगी, रियल रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइज इमेज बनेगी। ठीक है, और ठीक, और हमेशा कहाँ पे बनेगी, F2 पे बनेगी। ठीक, तो ये था आपका
कन्वेक्स का इनफाइनाइट पोजीशन पे। अभी हम कन्वेक्स लेंस का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्या था आपका, जब आपका ऑब्जेक्ट किस पे था, इन्फिनिटी पे था। फिर नेक्स्ट आता है when an object is ये है O, ये है F1, ये है 2F1। इसी तरह क्या है, ये है आपका F2 और ये है आपका 2F, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, बियॉन्ड है इसके, तो हमने क्या रखा 2F2 के बाद को ऑब्जेक्ट को रखा, इसको हमने नाम दे दिया AB। तो क्या होगा, सबसे पहले लाइन रे यहां से पास होगी, रिफ्रेक्ट होके कहां जाएगी, यस मैम, यहां पे जाके मिली। तो ये आपका क्या बना, ये आपका बना इमेज ए डैश और बी डैश। ये जो इमेज फॉर्मेशन हुआ ये किसके बीच में हुआ, एफ टू और टू एफ टू के बीच में हुआ। ये देखो यहाँ पे नोटिस करो, जो आपका इमेज है, ये जो इमेज है ये कहाँ पे बना, एफ टू और टू एफ टू के बीच में बना, ठीक। और ये आपकी इमेज कैसी हुई, ये जो इमेज हुई आपकी, ये हुई आप, ये जो इमेज बनी आपकी कैसी बनी, रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश बनी, ठीक है। इनफाइनाइट में आपकी जो इमेज है वो कैसी बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, पर पॉइंट साइज में बनी, ठीक। पर इसमें क्या हुआ, जब बियॉन्ड टू एफ टू पे था तो इमेज कैसे बना, रियल बना, इन्वर्टेड बना, पॉइंट साइज की जगह क्या चेंज हो गया, बस जो इमेज थी वो डिमिनिश हो गई, ठीक। अब हम पढ़ते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट किस पे रखा हो, बियॉन्ड पे ना हो बल्कि किस पे हो, is situated at 2F1, किस पे हो, 2F1 पे हो। तो ये आपका लेंस है O, F1, F2, 2F1, 2F2, ठीक। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है, 2F2 पे, तो A, B, सेम आपकी पहली रे जब पैरेलल जाएगी तो वो कहाँ से जाएगी, F2 से पास होगी। बस इस बात का ध्यान रखना, अगर आपकी इंसिडेंट रे पैरेलल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होके हमेशा कहाँ से पास होगी, F2 से पास होगी, ठीक। और यही जब आपकी दूसरी लाइन कहाँ से जाती है, O से जाती है, O से पास होती है, तो ये जो बनेगा आपका, ये जो आपका इमेज बनेगा ये यहाँ पे ये यहाँ F2 के पास बनेगा, ठीक है। ये रफली है क्योंकि जब आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो आपके जो जितने भी होंगे सब क्या होंगे, मेजर होंगे, ठीक है। ये रफली डायग्राम है इसलिए आपको बता दे रही हूँ मैं,
तो यहाँ पे जो आपका इमेज बनेगा वो किस पे बनेगा, 2F2 पे बनेगा। मीन्स जब आपका जो इमेज है, अगर ऑब्जेक्ट आपका 2F1 पे रखा है तो इमेज आपकी कहाँ बनेगी, 2F2 पे बनेगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो इमेज होगी आपकी वो कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। जब बियॉन्ड 2F था तब हमारी ऑब्जेक्ट कैसी बनी थी, डिमिनिश बनी थी। पर जब हमारी F1 पे ही सिचुएटेड है तब हमारी ऑब्जेक्ट कैसी बनी, जो इमेज थी वो ऑब्जेक्ट के ही सेम साइज की बनी। Yes, ma'am. अब अगला आता है, जब आपका ऑब्जेक्ट किसके बीच में रखा हो, F1 और 2F1 के बीच में रखा हो, बिटवीन F1 एंड 2F1, ये है आपका लेंस O, F1, 2F1, F2 और 2F2। तो हमने क्या पढ़ा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है किसके बीच में हो, F1 और 2F1 के बीच में हो, A, B। बताइए अब कहाँ पे जाके मिलेगी शेष, किस पे से मर्ज होगी ये लाइन। मैम ये लाइन रिफ्लेक्ट होगी तो किस कहाँ से जाएगी। मैम ये डिफ्लेक्ट होके जाएगी F2 पे। F2 से, वेरी गुड। कहाँ से जाएगी, F2 से जाएगी। अब सेम इसी तरह क्या होगा, ये O से ऐसी चलती चली जाएगी। और ये क्या कहाँ हो रही है, ये कहीं दूर जाके मिल रही है, मतलब कि 2F2 से कहीं दूर जाके मिल रही है। ये यहाँ पे जाके आपकी ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है। yes, दिखाई दिया। हाँ देखो यहाँ पे दिखाई दिया ना। yes, ma'am. इसके भी आगे दिखाई दे रहा है, ये 2F2 के भी बियॉन्ड इमेज बन रही है। तो ये इमेज कैसी बन रही है, रियल इमेज इन्वर्टेड। पर एक बात का ध्यान रखना, आपके जितने भी इमेजेस बन रहे हैं सारे रियल और इन्वर्टेड बन रहे हैं, बट किस में चेंज आ रहा है, उसकी साइजेस में चेंज आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इमेज जो ऑब्जेक्ट था वो हमारा इतना था, अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट इतना हो गया, तो इसकी जो इमेज थी वो कैसे बनी, इनलार्ज बनी, ठीक। इसकी जो साइज थी, मींस किस में चेंज आ रहा है, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की साइज में चेंज आ रहा है, ठीक है। पर हमारी ऑब्जेक्ट जितनी थी सब कैसी थी, सब रियल और इन्वर्टेड ही थी। अब अगला आता है, जब आपका ऑब्जेक्ट किस में हो, F1 पे हो, किस पे हो आपका ऑब्जेक्ट, F1 पे हो, F1, F2। ऑब्जेक्ट जब आपका F1 पे रखा है, लाइन जाएगी, रे रिफ्लेक्ट होगी, किससे पास होगी, F2 से पास होगी, और फिर ये क्या होगी, O से पास होगी, और ये क्या चलती चली जाएगी, ये पैरेलल चलती ही चली जाएगी। जो इमेज बनेगी वो कहीं बनेगी, कहाँ बनेगी, कहीं इनफाइनाइट पे जाके बनेगी, मीन्स कहीं बहुत ऊँचा जाके बनेगी, ठीक है। जब हमारा ऑब्जेक्ट F1 पे होता है तो जो हमारी इमेज बनती है वो कैसी बनती है, इनफाइनाइट पोजिशन, इनफाइनाइटली बनती है। मीन कैसी रहेगी, रियल रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी, पर साथ साथ क्या होगी, हाईली इनलार्ज्ड होगी। कैसी होगी, हाईली इनलार्ज्ड, ठीक। अब अगला आता है आपका, जब आपका जो इमेज है वो किस पे हो, ऑब्जेक्ट जो है F1
और मैम हाँ मैम अभी जिससे पहले आप समझाएंगे मैम एक बार और समझा दीजिए। मैंने ये बताया था देखो जब हमारा ऑब्जेक्ट F1 पे होता है ये आपका लेंस yes, है O, ये है तुम्हारा F1, F1 और ये है तुम्हारा F2 ठीक है yes, ma'am. जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट F1 पे होगा तो जब रे पास होगी तो किस पे से जाएगी बताओ। यस मैम ये किस पे कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी इंसिडेंट रे F2 से बस कहाँ से रिफ्लेक्ट हुई F2 से। दूसरी जो रे गई वो तुम्हारी ऑप्टिकल सेंटर से गई yes, पर ये क्या होगा ये कहीं पे भी नहीं मिलेगी मींस इसकी जो इमेज की पोजीशन बनेगी वो इनफाइनाइट बनेगी। कैसी बनेगी इनफाइनाइट इमेज बनेगी। और जो इमेज होगा उसका नेचर कैसा होगा इमेज का नेचर होगा रियल इन्वर्टेड और highly enlarged image कैसा बनेगा real inverted and highly enlarged। तो मैम ये इमेज कभी खत्म नहीं होगी इन्फिनिटी रहेगी ये कहीं दूर जैसे पॉइंट होता है ना बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके इमेज बनेगी। आपकी कॉपी तो इतनी बड़ी है नहीं है कि कहाँ कहाँ तक लाइन को लेके रे को लेके जाएंगे है ना। तो जो हमारी इमेज होगी तो उसको हम अज्यूम कर लेते हैं हमारी जो इमेज बनेगी वो कहीं इनफाइनाइट मींस कहीं कहीं दूर जाके ये इमेज बनेगी ठीक है। और ये जो इमेज बनेगी ये कैसी बनेगी रियल इन्वर्टेड हाईली इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज मींस काफी बड़ी बनेगी। तो हमने पढ़ा था जब हमारा ऑब्जेक्ट एफ वन और एफ टू के बीच में था तो हमारी इमेज कैसी बनी थी एनलार्ज बनी थी। बस ये समझ लो ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पोजीशन पे था है ना। हम उसको क्या कर रहे हैं उसको हम बस इधर शिफ्ट करते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं जो हमारी इमेज है वो क्या होती जा रही है वो भी शिफ्ट होती जा रही है ठीक है। यस मैम अब आया समझ में। यस मैम अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अगर F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर पड़ता है तो क्या होगा। तो ये आपका लेंस है ये है आपका O ये है F1 और ये है F2 तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है यहाँ पे है ठीक है। ये हमारा क्या हुआ पास हुआ कहाँ पे गया F2 पे गया ठीक। अब इसी तरह क्या हुआ O हमारा पास हो गया पर ये क्या हुआ यहाँ पे जो हमें लेंस का अपोजिट साइड है यहाँ पे जो ये क्या हो रहा है ये यहाँ पे कहीं दूर जा रहा है ना। तो हमने क्या किया इस रे को हमने पीछे की साइड जो लेंस का था वहां पे अज्यूम करना स्टार्ट किया तो ये क्या हो रहा है ये हमें कहीं यहाँ पे जाके मिल रही है ये और ये जो इमेज है ये हमारी इमेज बन रही है। तो हमने पढ़ा था जो हमारी इमेज होती है वो कैसे बन सकती है लेंस के फ्रंट पे बन सकती है या फिर लेंस के अपोजिट डायरेक्शन में बन सकती है। तो अभी तक जो इमेज थी वो कैसी बन रही थी वो लेंस के अपोजिट डायरेक्शन में है ना। पर अब इमेज हमारी कहाँ बनी है लेंस के सेम डायरेक्शन में बनी है इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो आपकी इमेज है ये कैसी बनेगी वर्चुअल इमेज बनेगी वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज। कैसी इमेज बनी वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज। देखो जब आपकी इमेज यहाँ नीचे की साइड बनती है ठीक है जैसे अभी तक बनता आ रहा था इमेज हमारी देखो सब में यहीं पे बन रही थी ना yes, ma'am. जब इस साइड इमेज बनेगी तो उसको हम हमेशा बोलेंगे रियल इन्वर्टेड
एनलार्ज या फिर डिमिनिश्ड या फिर सेम पॉइंट। ठीक, अगर जब ये कब बनेगा, ये जब हमारी इमेज अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी, जिसके ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। अगर जब आपका इमेज क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट वाली साइड ही बन रहा है, मीन सेम साइड बन रहा है, तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बनेगी। किसमें चेंज आ रहा है, सिर्फ इसके साइजेस में चेंज आ रहा है, इधर भी साइज में चेंज आएगा और इधर भी साइज में इमेज आएगा। अगर इधर की इमेज बनेगी तो हमेशा कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड रहेगी, कैसी रहेगी, रियल और इन्वर्टेड रहेगी। और अगर इधर बन रही है तो इधर हमेशा कैसी रहेगी, वर्चुअल और इरेक्ट रहेगी। ठीक है, yes, तो ये था आपका कुछ कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्केव लेंसेस की पोजीशन को पढ़ेंगे। ओके श्रेष्ठ, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। वेलकम बेटा, आज के लिए बस इतना ही, आगे काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके यस मैम। और 12:45 से आपकी जो है मैथ्स की क्लास है। ठीक, यस मैम, यस मैम। और अब से बेटा टाइम से आ जाए करो, एग्जैक्ट 12 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है साइंस की। ठीक है, ओके चलो, बाय बेटा। थैंक यू मैम।